आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जो इस मौसम में काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हे मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो कल पूरी रात, पूरे दिन भर मतलब बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी करके, और पूरा ये जो मेरा एरिया है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन पूरा एरिया कीचड़ में डूबा पड़ा है। मैं रास्ते क्लिप भी दिखाऊँगा अभी आगे ब्लॉग में, तो बने रहना ब्लॉग के साथ। तो पूरी दिन बारिश होते होते पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ हो गया, चला नहीं जा रहा। दो बार तो मैं गिरने से बच गया, और बारिश हो रही थी ठंड का भी मौसम में। फिर मैंने कल दिखाया था ब्लॉग में कि तुलसी मैया के लिए कुछ नहीं करा, तो वो वैसे का वैसे ही कवर है जो मैंने जुगाड़ कर रखा था। तो आज सोच रहा हूँ कि उनके लिए कुछ कर दूँ जो परमानेंट हो बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा पेड़ ही ख़राब होता जा रहा है। तो वो पेड़ को पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा अच्छे से, जो परमानेंट बिल्कुल सॉल्यूशन हो जाए उसका। और उसके बाद आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जो इस मौसम में काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब वो क्या प्रोडक्ट है वो तो ब्लॉग के एंड में पता चलेगा, मतलब बीच में पता चल जाएगा, मैं पूरा एंड तक नहीं खींच के जाऊँगा। तो बने रहो इस ब्लॉग के साथ और देखते हैं क्या कौन सा वो प्रोडक्ट है जो इस ठंड में बहुत लाभदायक है सबके लिए, जो आलसी है, जो नहाते नहीं है खासकर। हिंट दे दिया मैंने तो समझ गए होंगे आप सब। मैं पहले तुलसी मैया दिखाता हूँ, उनके दर्शन कराता हूँ। तो ये है अपनी तुलसी मैया, और इनको ऐसे ही मैंने जुगाड़ कर रखा है, जीने पे कवर कर रखा है। कल बारिश की बूंद नहीं करी तो ये ऊपर ऊपर रह गई, बस दिख रही होगी हल्की हल्की। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको अच्छा पूरा परमानेंट सॉल्यूशन कर दूँ दोनों तुलसी मैया। वो वाली तुलसी तो थोड़ी थोड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको देखते हैं रिकवर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये तो अभी ठीक है, आगे से थोड़ा ख़राब है, पीछे से तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। बस इसको पूरा अभी से प्रोटेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो इनका काम करना है, तो तुलसी मैया का काम करना है, और आज हमें करना है एक अनबॉक्सिंग। तो बने रहो इस ब्लॉग के साथ। मैं कल नहाया नहीं था, आज सोच रहा हूँ ट्राई करूँ नहाने के लिए, क्योंकि मैंने कल भागवत गीता भी नहीं पढ़ी थी। तो आज एक दिन मेरा गैप हो गया, अच्छा तो लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ आज से कंटिन्यू करूँगा। तो अभी मिलते हैं, ब्रश करते हैं, मैंने ब्रश भी नहीं करा, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद निकलते हैं अपने काम पे। और रास्ते का तो बहुत बुरा हाल है, मैं दिखाता हूँ ब्लॉग में। तो पाठ हो चुका है, आज मैं नीचे बैठ के पाठ कर रहा था, और जो मैंने कल बनाया था चिड़िया के लिए घर, ये छोटे छोटे दो बनाए थे, उनको आज हम शाम के टाइम लगाएंगे। अभी मैं खाना खा के निकलता हूँ अपने ऑफिस, और जो मैंने पहले से बना रखा है ना वो दिखाता हूँ मैं। ये मैंने बना रखा है पहले, मैंने बहुत पहले बनाया था सेम टू सेम ऐसे, और इसमें से चिड़िया रहती है अभी, ये अंदर दिख रहा होगा थोड़ा घास टाइप का, इसके अंदर चिड़िया के बच्चे भी है। तो सेम टू सेम मैंने ऐसे ही बनाया। अब इसको सेम एक यहाँ पर है अभी, अब यहाँ पर लगा दूँगा, और एक यहाँ पर लगा दूँगा इन दोनों को। तो इसको आके मैं शाम को लगाता हूँ। अभी चलता हूँ खाना खाता हूँ, खाना खा के निकलता हूँ, देखता हूँ जिस किसके ऑर्डर आए हैं, उसके बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग यह चीज़ की, वो तो बाद में पता चलेगा किस चीज़ की कर रहा हूँ। और उसके बाद शाम खाने के बाद हम लगाएंगे इसको। तो मैं ऑफिस पहुँच गया था, और आने के बाद मैंने सारे ऑर्डर जितने थे पैक कर दिए, ठीक है, डिस्पैच कर दिया। बस कुरियर वाले भाई आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसी के साथ जैसा मैंने सुबह बताया था, एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊँगा जो इस मौसम में सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट मेरे सामने ही है, अभी मैं बस उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और शो करता हूँ, और धीरे धीरे करके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके डिटेल बताएंगे कैसे ये यूज़ हो सकता है, और कहाँ से ये सब ऑर्डर कर सकते हैं वो भी सब डिटेल में दूँगा। अभी बस बने रहो इस ब्लॉग के साथ। तो ये है अपना प्रोडक्ट, अब क्या है इसके अंदर वो तो इसको खोल के ही पता चलेगा। तो ऐसे ये डब्बा पैक होके जाएगा डबल लेयर में, तो इसको हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये खुल गया, ये 5 प्लाई की पहले डब्बी कवर है, इसके अंदर भी फिर एक और डब्बा है। तो इतने मोटे ये निकल गया, तो इतने मोटे लेयर में तो ये पैक होके जाएगा, जिससे टूटने फूटने का तो कोई डर ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके सामने बिल्कुल सही सलामत चला जाएगा। तो ये है मेन प्रोडक्ट, ये है वाटर गीज़र 1 लीटर का इंस्टेंट
आपको पानी गर्म करके देगा ये। इसका साइज़ है 1 लीटर कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। और इसकी डब्बे की क्वालिटी ये है, ये तो काफ़ी पुराना हो गया डब्बा, इसलिए मुझे आपको सबको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में जाएगा ये। अंदर वाटर गीज़र, ये डब्बा पैक होगा, उसके ऊपर ये डब्बा पैक होगा, जो जिससे रास्ते में आने आप तक पहुंचने पे टूटे ना। तो मैं भी इसको निकालता हूँ, और इसके अंदर ये सब मिलेगा, ये पाइप मिल जाएगी, ये सपोर्टर मिल जाएगा, ये उसका टोटी इसमें फिट होगा, और ये कुछ नट बोल्ट जो कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो। ये है अपना प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट है ये। तो ये है अपना प्रोडक्ट, 1 लीटर का वाटर हीटर, जो अभी ठंड का टाइम है उसके लिए काफ़ी यूजेबल चीज़ है बजट में, ठीक है। और मेनली जो बूढ़े बूढ़े हैं और जिनको गर्म पानी का ज़्यादा, आजकल कुछ आलसी होते जो नहाते नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है ये, जिससे कि वो डेली नहाना चालू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इस प्रोडक्ट से। तो ये ऐसे लग जाएगा टोटी, ऐसे आप फिट कर दो, और ये जाएगा बोर्ड में, और ये पाइप लगे यहाँ पे, मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये पाइप लग गया इसके अंदर, अभी हम ऐसे लगा देते हैं, और ये लग जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ जाएगा टोटी पे, टोटी में बिल्कुल फिट हो जाएगा, और ये जाएगा बोर्ड पे, और बोर्ड में चलने के बाद यहाँ से गर्म पानी निकालना चालू हो जाएगा। और इसको कृपया करके सूखा सूखा या फिर ड्राई नहीं चलाना। इस बॉक्स में साफ साफ लिखा है, साफ साफ लगा है, डू नॉट ड्राई रन गीज़र। अगर आप इसको सूखा चलाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक है पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है जो आपके का हर चीज़ में काम आ सकता है, मान लो आपको बर्तन धोने हैं या घर का कोई छोटा मोटा काम करना है, तब भी आप इस गीज़र का यूज़ कर सकते हो। और अगर ये गीज़र परचेज करना है तो मैं आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरे पोर्टल से ख़रीद सकते हैं, उसमें मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। और अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आई इस गीज़र से रिलेटेड, तो मैं आपको इसको रिटर्न कर दूंगा या रिप्लेस, जैसा आप बोलोगे वैसा हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप ऑर्डर करिए, मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाइए और लिंक पर क्लिक करिए, आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। और अगर गुरुकुल की दुकान से ही प्रोडक्ट परचेस करोगे तभी आपको रिप्लेसमेंट मिल सकती है, और किसी सेलर से आपने परचेस करा तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर गुरुकुल की दुकान आपको दिखती है वहाँ से परचेस करते हैं तभी मैं आपको रिप्लेसमेंट करा सकता हूँ। अगर कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसमें मेंशन कर दूँगा, इस गीज़र में जब आपके पास प्रोडक्ट पहुँचेगा तो अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी परेशानी होगी वो ज़्यादा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट का रिव्यू। आप जो भी मेरा आज का ऑर्डर था वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये आज के कुछ ऑर्डर पड़े हैं अमेज़ॉन से, जैसे कि ये अकिन, ठीक है, केरला, ऐसी ऑर्डर है। ये भी मनी बफेट, काफ़ी सारी बुक्स है। अगर आप ऐसी काफ़ी सारी बुक्स है, अगर आपको बुक्स रिलेटेड कोई भी परचेज करनी है, किसी भी चीज़ के इंक्वायरी करनी, तो मैं उसके भी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, ये डिस्पैच कर दिया, बस पिकअप वाले भाई आएंगे और ले जाएंगे, तो बस ये काम ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा एडिटिंग काम है और कुछ एक्स्ट्रा काम है, वो मैं काम ख़त्म करता हूँ, फिर जाते हैं घर, और घर जा कर देखो क्या खाना पीना बना है। तो आज मैंने उस अनबॉक्सिंग के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और डायरेक्टली मैं अभी रात को बना रहा हूँ ब्लॉग, और रात के अभी बज रहे हैं 10, और अपने एरिया का लाइट चला गया है, और मैंने एक हाथ से फ़ोन अपना पकड़ रखा है ब्लॉग के लिए, और एक हाथ से टॉर्च पकड़ रखा है, ये जुगाड़ करके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ।
और खाना आ गया है तो हमें इसी अंधेरे में खाना खाना पड़ेगा। और मैं दिखाता हूँ आज क्या खाना बनाए। तो ये है अपना मस्त आलू का पराठे, ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे, और ये चटनी धनिया की, चटनी धनिया मिर्च की, जिसने खाया होगा उसको ही पता होगा, और कमेंट करना। और ये पानी, पानी ऐसा होता है पानी। पराठे खा के और यहीं इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। और अगर आज का ब्लॉग मस्त लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते कल अगले धमाकेदार ब्लॉग में। बाय बाय।